कि मैं बनाने बोला टेस्टी। वाओ कितने जाके आया मोल। अच्छा इधर देख क्या अनमोल खा रहा है, इन्हें बड़े स्वाद लगे। सत श्री अकाल, स्वागत कर दिया मैं तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अब आप बनाएंगे बच्चों ने बहुत ही मनपसंदीदा स्नैक्स रेसिपी, जो कि खाने बहुत ही ज़्यादा वधिया लगते हैं, टेस्टी इन्ने कि तुसी बार बार इदा ही बनाओगे। की ये समान चाहिए आओ आप अगले वीडियो देखते हैं। आ देखो आ सारे आप इनग्रीडियंट लेने गए। मोजरेला चीज लिया 1/3 कप। एदी जगह पर जे थोड़े को चीज स्लाइस आता उन्होंने भी तोड़ के पा सकते हैं। चौलों का आटा लिया, बॉयल्ड आलू लेने के 4 मीडियम साइज के, प्याज लेने आप ऑरगैनो, चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी जी ब्लैक पैपर। बाकी जो तुम कुछ भी होर अपना ऐड कर सकते हो तो तुम वह भी कर सकते हो। वैसे मैं बेसिक जी रखे गोल में पाए जाते हैं मसाले सारे। उन्हें पहला आप करा आलू लवेंगे, आलूओं में इतने मैश करना बहुत जरूरी है। आलूओं के बिल्कुल भी कोई भी गुटली वगैरह नहीं रहनी चाहिए, बड़े बड़े चांस नहीं रहने चाहिए आलूओं के। इस करके आ देखो आलू मैशर की सहायता ना चंगी तरह सारे आलूओं मैश कर लूँगी। आ देखो चंगी तरह मैश करने आगे फ्रेंड्स। सानू रिक्वेस्ट है जे तुम मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल में जरूर सबसक्राइब कर लियो, तो बैल आइकन जरूर प्रेस करे ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इतने हम आप ऐड करेंगे चौल, चौलों का आटा जो आप नॉर्मल खाने वाले अपने घर चम्मच होंगे ना वो 2 चम्मच पाए ने, तो 1 चम्मच पा लिया कॉर्नफ्लावर का। जो थोड़े को कॉर्नफ्लावर नहीं है तो इतने अरारोट भी यूज़ कर सकते हो, या 1 चम्मच मैदे का भी यूज़ कर सकते हो, या तुम पूरा चौलों के आटे के नाल ही तैयार कर सकते। तो हम जो आप अपनी सीजनिंग पा देंगे ऑरगैनो, तो चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, नमक, दोनों चीज़ें मिक्स कर देंगे। तो हम आप चंगी तरह मिक्स करेंगे। देखो चंगे तरीके हाथ के मैश करा। तो हम आप एक सैमी सॉफ्ट डो लगाना माते को चंगी तरह मिक्स करा। जे लोड़ लगे थानू इतने तक चौलों का आटा होर भी ऐड कर सकते हो। देखो पहला एक बार मिक्स कर लियो चंगी तरीके दे नाल। तो हूँ आप इतने ऐड कर देंगे मोजरेला चीज़। मोजरेला चीज़ जे थोड़े को नहीं है तो तुम यदि जगह पर जो पिज़्ज़ा स्लाइस होंगे तुम वह भी यूज़ कर सकते हो, या प्रोसैस चीज़ होंगे तुम उन्होंने भी ग्रेट करके तो यूज़ कर सकते हो। तो हूँ आप पावे 1 पिंच बेकिंग पाउडर दे, ते चंगी तरह करांगे मिक्स। बस इतने बस देखो डो अपना बन के तैयार हैगा। तो इधर आप चकले बेलने थोड़ा जो ऑयल लगा लिया, तो परेथन लिए आप चौलों का आटा ही लिया। तो इतने तुम कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हो। तो आप देखो इस तरह रोल करोगे, तो आ देखो चौलों का आटा आप करा लगावे, तो फिर आप गोल बेल लवेंगे। बहुत ईजीली बेल जाता, देखो कोई भी परेशानी नहीं आती है। बस जिदा भी तौर तो बेलता बेल के तैयार करना। थिकनेस यदि पतली भी रखनी है, जिदा आप नॉर्मल घर रोटी बनाने वो तो हल्का जहा, बस मोटा ज़्यादा नहीं रखना है। बस इन्नी थिकनेस रखनी है। तो हम आप कट कर लेंगे, ये पीसिस कट कर लेंगे। थोड़े को जो चीज़ ना भी तुम कटना चाहते हो कट सकते हो। मैं पिज़्ज़ा कटर ले रही हूँ, ये थोड़ा जि ईजीली कटिया जाता। आ देखो ये मैं 2 तरीके बनाऊँगी। आ देखो ये थोड़े जे मैं बड़े पीसिस कटूँगी, तो दूसरे आप थोड़े जे छोटे करा जिदा मार्केट मिलते हैं। देखो पहला फायदा एक चॉस पार्ट ले लेंगे, जो आ पोशन है इन्हों आप जो मिक्स अपना पिया वो ही पा देंगे। अलग इस तरह फायदे पीसिस कट लवेंगे। आ देखो आप
शेप तुसी कोई भी दे सकते हो गे पर जी मार्केट के मिलते चौर शेप के होंगे ने इस करके मैंने यही शेप दी है बाकी तुम कोई भी अपनी मनपसंद की शेप दे सकते आप इस तरह बना के तैयार कर लेंगे। आ देखो आ मैं छोटे तैयार किए हैं जिदा आपके मिलते हैं तो इन्हों भी आप सारियां ट्रे दे रख लवेंगे। पहले आप सारे बना लवेंगे फिर फटाफट आप इन्हों फ्राई करा देखो सारे बने हुए हैं गे तो इधर भी अपने तैयार हो गए ने सारे तो हूँ आप इधर देखो फ्राई करा इन्हों पहले मैं छोटा जो पीस पा के देखा देखो तेल जो आप देखो पूरा तेज आप चाहिए ये बाद गैस जीते लेना जो लो मीडियम कर लेनी है देखो फटाफट आप ये पा रहे हैं तो उपर आ रहे हैं गे फटाफट तुम पहला ये तैयार कर लेने ने तो फटाफट आप फिर इन्होंने शैल फ्राई करा देखो तुम इस तरह इन्हों पा भी सकते देखो देखो किन्ने वधिया अपने सारे उपर आ गए हैं गे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे अपना बैच हो गया फ्राई तो आप सारे इस सेम मैथड के नाल सारे फ्राई कर लवेंगे सारे बन के अपने हो गए तैयार। आ देखो उम्मीद करते हैं तुहानू मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी प्लीज़ पसंद आई तो लाइक शेयर तो चैनल में जरूर सबसक्राइब कर लियो तो बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताजो तुहानू मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते एक होर न्यू रेसिपी के नाल तद तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।